Iran gives its employees a wonderful place to express themselves. Today, Shan is a global brand with presence in over 60 countries of the world. Shan is available in almost all the major supermarkets throughout major continents of the world. Shan is a place to be for success in this world and the world hereafter. We prepare you, groom you, and give you guidance to become successful not only in this world, but for the world hereafter. उनको अवार्ड ब्रसल्स में मिला है फॉर क्वालिटी एंड टेस्ट, उसको भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. ऐसी तमाम वो चीजें, वो तमाम लोग जो कि माशाल्लाह जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान के लिए इन हालात में भी, और मतलब अचीवमेंट देखें, अगर लगे रहे सर कितनी, मतलब अगर लगन हो तो कितना अचीव हो सकता है. थोड़ा सा अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएंगे कि ये मतलब स्पाइस, बट ये पूरा जो आपका सफर रहा ये कितना मुश्किल था. बेसिकली ये मेरी और मेरी बेगम का वेंचर था. काफ़ी पहले जब हम पढ़ रहे थे, MBA कर रहे थे, तो उस वक़्त ही हमारे जहन में आया था और फिर हमने इस पर काम शुरू कर दिया. उससे पहले मैं फोटोग्राफी करता था, सिनेमाटोग्राफी करता था, बहुत अरसे फिल्में बनाई मैंने, फिल्में बनाई मैंने, काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज बहुत सारी बनाई और कुछ कमर्शल्स भी बनाए जो काफ़ी पॉपुलर भी हुए. लेकिन फिर अल्लाह पाक से मैंने कहा कि कोई हलाल ऐसा काम करूं जिससे मैं मुतमईन हूं बहुत ज़्यादा. तो आई थिंक हम लोग बहुत चटोरे लोग थे, फैमिली हमारी बड़ी चटोरी, तो खाने वाने बड़े मज़े के बनाने हमारे एक था. मैं 6 साल का था जब से खाने बनाता था, मैं रसगुल्ले बना लेता था, गुलाब जामुन. 7 साल का 8 साल का था, मैं गुजर खुद बनाता था. तो मैं, मेरे जो वालिद साहब थे उनके, वो खुद बहुत कनिसियर थे खाने के, तो उसकी वजह से फिर मैं देखता था कि कुछ चीज़ ऐसी अवेलेबल नहीं है जो कि क्वालिटी की हो. तो फिर इस पर काफ़ी मेहनत की और काफ़ी साल मेहनत के बाद फिर हम इसको कर सके. मेरे सारी फैमिली, सारे बल्कि बहन भाई वालदा सब अमेरिकन सिटीजन थे, अमेरिका में रहते थे, अलावा मेरे, मैं पाकिस्तान में रहता था जी. तो मुझे वो लाइफ पसंद नहीं थी. तो आई स्टार्टेड दिस बिजनेस और फिर उसके बाद जो है वो वी वर्क वेरी हार्ड, सुबह शाम काम करके फिर ये यहाँ तक लेकर आए. बट इस सब चीज़ों के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मुझे हमेशा पाकिस्तान से, मेरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं अभी भी जब नेशनल एंथम बजता है. आई वॉन्टेड टू ऑलवेज डू समथिंग फॉर पाकिस्तान. अगर मेरी ज़िंदगी उसमें चली जाए तो आई वुडंट माइंड, यू नो, बट आई वॉन्टेड टू डू एक्सेल इन अ फील्ड जहाँ पर वो कोई कंपेरिजन ना हो, फिर कोई स्टैंडर्ड ना हो जो दुनिया को हम बीट ना कर सकें. तो अभी जब ब्रसल्स में भी वो फ्लैग हमारा, पाकिस्तान का फ्लैग उन्होंने चलाया और नेशनल एंथम चलाया, तो मेरा दिल चाहता था कि मैं सजदे में पड़ जाऊं, क्योंकि इससे बड़ा और कोई मोमेंट मेरी ज़िंदगी में नहीं हो सकता. मेरी पूरी टीम, मेरा पूरा अपना ख़ानदान और जितने भी हमने कंट्रीब्यूशन किया, पूरा पाकिस्तान, उनके लिए मैं शुक्रगुजार था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म पर हम अपने आप को ले आए हैं जहाँ दुनिया में हम जो बेस्ट हैं उनसे मुकाबला कर रहे हैं. आगे आपके और क्या वैसे मतलब एक्सपेंशन ही है एक जगह, मतलब क्योंकि आई एम श्योर एक जगह आके रुक नहीं सकते, आगे आपके क्या एक्सपेंशन? एक्सपेंशन ये है कि अभी यहाँ UAE में हमारी एक फैक्ट्री ऑपरेट कर रही है. Really? जी, और एक फैक्ट्री मक्का अल मुकर्रमा में ऑपरेट कर रही है, और एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो अभी बात चल रही है लाइसेंसिंग की. तो वो हम क्योंकि पूरे इंडिया में हम शान मसाला भेजते हैं, कलकत्ता से लेके और बॉम्बे तक, और बॉम्बे से लेके राइट इवन कश्मीर. तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ हम एक कर रहे हैं कोशिश के वी कैन, यू नो, कोलैबोरेट विद समबडी देयर. बाकी ये है कि आई थिंक वर्ल्ड इज द अपॉर्चुनिटी, सब दरवाजे खुले हैं. आई थिंक सिर्फ काम करने की जरूरत है. कि हम शान वालों की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर्स भी दे रहे हैं, और ये ऐसा गिफ्ट हैम्पर है मतलब कि सब खुश हो जाएंगे कि यार ये चाहिए था, कि ये वेरी इंपॉर्टेंट, जल्द से जल्द पहुंचा दें, ईद से पहले सर ये हम पहुंचा देंगे इंशाल्लाह जरूर. तमाम कॉलर्स को और बोलो जो हमें टेक्स्ट कर रहे हैं, तो सब लोगों को सर देख लें अभी ठीक ठाक हो गया वादा, ईद हो जाएगी लोगों की सही मानों में, सास भी खुश, बहू भी खुश, घर वाले भी खुश. सर आपकी तो ईद पे खौफनाक सेल होती होगी, अल्लाह का एहसान है. और ऐसे कौन टाइम्स होते हैं जी रमजान में? आपका जो चाट मसाला है वो बड़ा मशहूर है. अरे जी, शाही चाट मसाला इज वेरी फेमस, वो मेरी बेटी ढूंढती रहती है हर जगह पे. अभी कोई तकरीबन 4 बिलियन की कंपनी है और आई थिंक इसमें 30% कंट्रीब्यूशन होता है ये दो
जो इवेंट्स होते हैं बकरीद और ईद। और सर मैं आपकी फोर्स भी जानना चाहती हूँ, कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितनी हाउ बिग इज द कंपनी, बिकॉज जब एक कंपनी होती है उसका मतलब होता है रोजगार, कि कितने कितने घरों के को सपोर्ट करती है वो। इस वक्त तकरीबन 1000 के करीब लोग हैं, और हमारी जो फैक्ट्री है वो कराची में भी है और लाहौर में भी है, एक सुंदर में बन रही है भी। और जो कराची में फैक्ट्री है स्टेट ऑफ द आर्ट, जो प्रोसेस हम ग्राइंडिंग में यूज करते हैं वो सिर्फ दुनिया में चंद ममालिक में और चंद कंट्रीज में है। उसका तरीकेकार ये है कि जैसे लाल मिर्च होती है तो लाल मिर्च जो है वो नाइट्रोजन में डिप की जाती है इंडिविजुअली, और फिर उसके बाद वो बर्फ बन जाती है 196 डिग्रीज माइनस, आइस हो जाती है वो आइस जाके क्रश होती है उसके अंदर मिल के अंदर, स्पाइस मिल में क्रश होती है, फिर उसका पाउडर बनता है, तो वो अबाउट 100 डिग्रीज माइनस में होता है। और जब आपको वो फाइनल पिस के आपका जो थैली में जा रही होती है तो वो एम्बियंट टेम्परेचर पर होती है तकरीबन 10 डिग्रीज ऐसे कुछ। तो ये सारा प्रोसेस कोल्ड चेन होता है, जिससे ना तो उसका रंग खराब होता है, ना उसके अंदर हीट से उसकी वो जो अरोमा होता है वो निकल जाता है, ना ही उसकी जो मज़ा है उसके अंदर फर्क आता है। और इसको हम फिर एक खास जो दुनिया की बेहतरीन पैकेजिंग है एल्युमिनियम फॉइल जी, उसके अंदर पैक करते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन फिल करते हैं। जो आम थैली है फर्ज कीजिए, वो मैं मिसाल दे रहा हूँ 4 आने की है, और जो हम थैली यूज कर रहे होते हैं वो 3.5 रुपए की है। तो ये फर्क होता है हमारे प्रोसेस में, जो कॉस्ट आ रही होती है वो फिनोमिनल होती है ग्राइंडिंग में, बिकॉज ये सारा प्रोसेस जो है बहुत महंगा है, नाइट्रोजन यूज करना, फिर स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट आपके पास सिर्फ थाईलैंड में है, सिंगापुर में है, इंडिया में एक प्लांट है और पाकिस्तान में एक प्लांट है। मैं कुछ कहना चाहूंगा जी, और ये मैसेज भी है, एक रिमाइंडर भी है, एक वार्निंग भी है, कि जो कौमें जिंदा होती है उनसे आजादी कोई नहीं छीन सकता। अफगानिस्तान से कोई आजादी नहीं छीन सका, इराक से कोई नहीं छीन सका। नेवर टेक फ्रीडम फॉर ग्रांटेड, एक हमारी आदत होगी ना कि बस मिल गया, जैसे हमने कहा ना कि हमें तो प्लेट में आजादी मिली। जिस दिन आपने आजादी को फॉर ग्रांटेड ले लिया तो आप मुर्दा कौम हो जाएगी, और मुर्दा कौम से आजादी छीन सकती है। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि अगर ये जज्बा रहे और आजादी की कदर करो तो फिर हम हमेशा आजाद रहेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज हमारे यूथ की, क्योंकि हम टुमारो की भी बात कर रहे हैं, कल की भी बात कर रहे हैं। और मैं आपके हवाले से जो आप बातें बता रहे थे मुझे, जो प्रोसेस की आपने बात की कि कमिटमेंट है, विजन है, और आपको पता है कि आपने क्या प्रोडक्ट आगे देनी है। अगर यही सोच हर पाकिस्तानी के जहन में होगी, जी अगर मैं स्टूडेंट हूं तो आई हैव टू डू द बेस्ट, अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो ठीक है जी मैं पैसा तो कमा रहा हूं मगर अपने मुल्क के लिए क्या दे रहा हूं ना, तो अगर ये चीज हर तबके में और हर शोबे फिक्र में इंसान के पास हो पाकिस्तानियों की, तो ये जो मसाइल हमारे साथ जिंदगी के हैं जो आते चले जाते हैं, कम से कम मुल्क आगे की तरफ बढ़ेगा। बेशक आई थिंक ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं दिस, ये काफी मशाल है, काफी अच्छी रोशनी देता है कि जिन लोगों ने सक्सेस पाकिस्तान में अचीव की है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए, उनको अगर आप उजागर करेंगे, जैसे ये अवार्ड है, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी नहीं है, तो अगर आप इसको करेंगे तो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ्स में इसको एम्यूलेट करेंगे, इसको कोशिश करेंगे कि वो इसी तरह से सोचें कि जब भी वो कोई काम करें वो करें, उनका अपना स्टैंडर्ड इतना हाई होना चाहिए कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बीट करें, और ये फिक्र ना करें कि उनको क्या क्या करना है उसके अंदर, कितना नुकसान कितना फ़ायदा। हम वही ये सारा काम करते हैं लेकिन मार्केट प्लेस में हमारी और कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट एक बराबर बिक रही होती है एक ही साथ प्राइस पे, जबकि हमारी प्राइस इंटरनल प्राइस बहुत महंगी होती है बिकॉज जो प्रोसेस हम यूज कर होते हैं हमें मार्जिन का मतलब जी अपना करेंगे। अगर हम उसमें एल्युमिनियम फॉइल की जगह 4 आने की थैली लगा दें पीई की जो दूसरे लोग यूज कर रहे हैं तो हम 3.5 रुपए पर पैकेट बचा सकते हैं, बिक तो जाएगा लेकिन ये आपको अवार्ड ना लेकिन मिलता। नहीं, लेकिन हमने कमिटमेंट किया है कि हम कंज्यूमर के क्या कहते हैं उसको, वो है कस्टोडियन है, हम कंज्यूमर के कस्टोडियन है, हमें पैसे कंज्यूमर देते हैं अच्छे से अच्छा माल पैक करने के लिए, अच्छे से अच्छा माल बनाने के लिए, बेहतरीन से बेहतरीन प्रोड्यूस करने के लिए। तो हम जब उनके कस्टोडियन हमें कोई फिक्र ही नहीं, इसलिए देखें आपको बाकी लोग कॉपी कर रहे हैं बाहर से, डब्बा तो कॉपी हो रहा है, फोटो कॉपी हो रही है, लेकिन अंदर का जो माल है अंदर की क्वालिटी उसको आप कैसे बीट करेंगे। बहुत सर टेक्स्ट में एक बार बार सवाल आ रहा था कि कितने कंट्रीज का कॉम्पिटिशन था आपस में जिनमें से पाकिस्तान को, ये सारी दुनिया से होता है, इसमें सारे बड़े बड़े जो मैंने जैसे पहले ही बताया कि लीवर है, नेस्ले है, कोको कोला है,
जितनी अब बहुत सारी कम कंट्रीज कितनी मतलब बहुत सारे मुल्क उसमें थे आई थिंक मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा कंट्रीज तो होंगे माशाल्लाह जहां से ये हमारी बड़ी शान ने हमारी शान बढ़ा दी अल्हम्दुलिल्लाह।